मैनेजमेंट। तो अभी तक हमने देखा फील्ड क्रॉप्स आर इन्फेस्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ वीड्स इंसेक्ट्स पेस्ट एंड डिजीज। फील्ड क्रॉप सुरक्षित नहीं है क्योंकि उसमें भरे हुए हैं वीड्स हैं, झाड़ झंकार जानते हो, बोखरू जो उगाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स को वीड्स कहते हैं कि नहीं। सो ये कहा जा सकता है जो फील्ड क्रॉप है, गमले की क्रॉप नहीं जो गमले में उगाते हैं, वहां तो कहीं नहीं आ सकता, वहां तो मिट्टी से आप बिल्कुल फर्टिलाइज करके अच्छी कोकोपीट डालते हो और सब कुछ डालते हो, लेकिन जो फील्ड में तो ऐसे ही उगाएंगे, वहां कितने सीड्स पड़े हुए हैं, नहीं पड़े हुए हैं, और बहुत सारे हवा में उड़ते भी रहते हैं। तो फील्ड क्रॉप्स आर लाइकली टू गेट डैमेज्ड बाय वीड्स। वीड्स का मतलब क्या होता है? अनवांटेड प्लांट्स, डिसीज, बहुत सारी बीमारियां भी लग जाती हैं, एंड इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स। अभी हमने उस दिन टिड्डी नहीं दिखाए थे, वो लोकस्ट खा जाते हैं, और पेस्ट रोडेंट, जमीन में चूहे चल रहे हैं वो नीचे से खा जाएंगे, तो रोडेंट है खरगोश खा जाएगा तुम्हारी खेती, वही नीचे नीचे बैठा रहेगा, जड़ जड़ खाता रहेगा। So, ये स्ट्रेटम है जिसपे हम लोग चल रहे हैं, इसके नीचे क्या है? सब स्ट्रेटम। तो सब स्ट्रेटम में ये लोग क्या रहते हैं? खरगोश। यहाँ बिल बनाया और यहाँ जाके ऐसे बोल, फिर ऐसे बोल, फिर ऐसे बोल, फिर ऐसे बोल, फिर ऐसे बोल, और यहाँ पर एक खरगोश बैठा हुआ है, फिर यहाँ पर एक खरगोश बैठा हुआ है, यहाँ पर एक खरगोश बैठा हुआ है, ऐसे अलग अलग बैठे रहते हैं। समझ आया? तुम्हारी फसल यहाँ तो सुरक्षित रह पाएगी। तो डिसीज, इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स एंड रोडेंट्स, ये तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सो दे कैन डैमेज द क्रॉप सो मच दैट मोस्ट ऑफ द क्रॉप इज लॉस्ट। आप ये ना सोचो कि थोड़ी बहुत करेंगे, दे कैन डैमेज the crop to very large extent, बहुत अधिक सीमा तक, very large extent। तो अब हमें क्या करना चाहिए? इसीलिए तो protection word आया है। So हमें for weeds what we should do? We should put weedicides, ठीक है? Weeds करते क्या? एक एक करके लें। Weeds what do? So weeds suck the soil nutrients. Suck का मतलब समझते हो? चूस लेते हैं, बिल्कुल खींच लेते हैं। So weed, ठीक है? Suck the soil nutrient and now it is not available to crop plants. जब वही ले लेंगे घास झंखाड़ गोखरू जानते हो? उनको गोखरू कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड नाउ न्यूट्रिएंट्स आर नॉट अवेलेबल। न्यूट्रिएंट्स किसके लिए अवेलेबल नहीं है? अवेलेबल फॉर क्रॉप प्लांट्स। सो टाइम टू टाइम वी हैव टू रिमूव वीड्स और यूज वीडिसाइड। वीडिसाइड का छिड़काव कर दोगे तो वीड्स नहीं उगेंगे। साइड यानी किलर, साइड जानते हो ना, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड्स। सो टाइम टू टाइम, बीच बीच में खेत की सफाई भी करनी पड़ती है। टाइम टू टाइम वी हैव टू रिमूव वीड्स एंड ऑल्सो यूज
बीडी साइट ये। अब देखो ये तो वीट के लिए हो गया। अब आगे देखो कि सेकंड डिसीज इन प्लांट्स आर स्पेसिफिक। आलू में अलग डिसीज है, ठीक है, पोटैटो से टाइमा हर एक डिसीज का अलग अलग नाम है, तो अलग अलग प्लांट की अलग अलग डिसीज है, उसके लिए अलग अलग दवा भी है। ऐसा नहीं है जब मैं उससे कहता हूँ रोज प्लांट में डिसीज है तो वो रोज के लिए दवा देता, जिसको जिस कैक्टस में है तो उसके लिए देगा, क्यूकम्बर में है तो अलग देगा, जैसा कहूंगा वैसा देगा, सबके लिए एक जैसी दवा नहीं, क्योंकि सब में अलग अलग बैक्टीरिया लगते हैं और तभी तो हम लोग इंटरक्रॉपिंग करते हैं। सो जो है कैसे होते हैं, डिसीज इज कॉज इन प्लांट्स किसकी वजह से होती है, बाई फंगी से भी हो सकती है, आलू में फंगस लग जाती है, बैक्टीरिया से भी होती है, फंगी से हो सकती है, बैक्टीरिया से हो सकती है, वायरस से भी हो सकती है, आलू में वायरस भी लग सकता है, ठीक है। दीस पैथोजन्स कैन बी ट्रांसमिटेड टू प्लांट्स थ्रू सॉइल एयर एंड वाटर। कभी कभी ये जब तुमने टिफिन लिया, तुम्हारी मम्मी ने गरम गरम ब्रेड बना के दे दिया और टिफिन में ढक दिया, दो दिन तुम भूल गए टिफिन धोना और खाना, तो जब खोलोगे तो ब्रेड मोल्ड हो जाएगा, अंधेरे में उसमें फंगस लग जाएगी कि नहीं, क्यों लगी, क्योंकि हवा में तैर रहा था ब्रेड मोल्ड फंगस, और बस जैसे जब तुम बंद कर रही थी तो उतनी देर में घुस गया अंदर, वो बस ताक में ठंडा हो और अंधेरे में ये रख दें, बैग से ना निकालें, बस रोशनी से नफरत है उसको और मॉइस्चर मिल जाए दबा के खाएगा तो सारा तुम्हारा कर देगा। उसी तरीके से हवा में बहुत सारी फंगस है, तुम्हारे खाने को खराब करने के लिए वो काफी है, और इसीलिए तो वैक्यूम पैकिंग की जाती है कि हवा निकल जाए उसकी, हवा ही नहीं रहेगी तो उसको फंगस लगेगी, हवा वैक्यूम पैकिंग बिल्कुल ताजा माल है। अब जरा देखो प्लांट, पानी हम भले घटिया पी लें लेकिन जो प्लांट को दें वो फिल्टर्ड वाटर दें, मतलब प्लांट में गंदा पानी अगर गया तो जैसे ये दिल्ली में तुम देख रहे हो पालक नालियों में उगाई जा रही है, नाली वो जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज के किनारे किनारे बस पालक ही पालक उगी और काट काट के खूब बिक रही धड़ल्ले से, और इतनी हानिकारक है। हम लोग छुट्टी पर गए और 1 किलो सेम रख के गए और खाना भूल गए, छुट्टी मतलब छुट्टी चले गए और अंदर एक सुब्रतो पार्क की बात है, तो खाना भूल गए जब आए तो वो 1 महीने बाद ताजा ताजा लाल लाल से, दिल्ली की बात है, यहाँ के नहीं दिल्ली की बात, तो वहां पे हमने देखा ये कैसा है, और फिर लालच भी थी ये 150 रुपए का सेब है खाया जाए का, ये लाल के वहां ये भी डाउट हो रहा है, फिर हम लोगों ने थोड़ा एक ही सेब काट के खा लिया, भूख लगी थी, और ऐसा बीमार पड़े बेटा भी, तीनों अस्पताल में रहे 1 हफ्ते तक तबीयत से, वो मतलब जो ये होते हैं ना केमिकल से बने हुए सेब वो खराब भी नहीं होते, पता नहीं कैसे बनाते हैं, तो तब हम लोगों ने सोचा कि जो सस्ता सेब मिले वो लो, बढ़िया के चक्कर में ना पड़ो, जो सस्ता है उसको केमिकल से बनाया नहीं जाएगा, वो तो ऐसे ही उग जाएगा, और महंगे सेब को अच्छा बनाने के लिए, चमकदार बनाने के लिए, क्यूटिकल लगाने के लिए वो खूब उसको कॉस्मेटिक लाके बेचते हैं, वो जानलेवा, तो जो चीज सस्ती मिले बाजार की सब्जी सीजनल मिले वही खाओ, समझ आई बात कि नहीं। तो ये एयर से भी जा सकते हैं, पानी से हमने बताया, गंदे पानी से भी जा सकते हैं, और तीसरी चीज क्या हमने बताया, DDT है, DDT का छिड़काव क्यों मना किया पेस्टिसाइड्स का, क्योंकि वो जड़ के थ्रू प्लांट से अपने चला जाता है, फ्रूट में चला जाता है, फिर हमारी बॉडी में 60 साल तक रहता है, DDT कीटनाशक है,
ठीक है कि नहीं। तो अमेरिका और इन सब देशों में इसको मना कर दिया गया है, मच्छरों को मारने के लिए बना था, बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वार में बना था, जिसने इसको बनाया था उसको नोबेल प्राइज भी मिला था। लेकिन देखा गया ये कार्सिनोजेनिक है, इससे तो कैंसर हो रहा है, तो कार्सिनोजेनिक है, तो फिर इसका निषेध हो गया। लेकिन भारत में अभी तक इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि ऑर्गेनिक खेती करने वाले चीज़ों को प्रिफर करें और इन सब जहाँ केमिकल है उन सब का इस्तेमाल न करें। तो प्लांट पे कई तरीके के डिसीज हो सकती हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सो डिसीज इन प्लांट्स को हम कैसे कर सकते हैं? वीड्स को तो हमने वीडिसाइड से निकाल लिया, और इफ दीस कैन बी एलिमिनेटेड बाय, क्या हो सकता है कि दीस कैन बी एलिमिनेटेड बाय हर्बिसाइड, किसके साथ? हर्ब से बनी हुई, नीम के रस से बनी हुई। जैसे हमें अपने पौधों पे दवा डालनी है तो नीम को मिक्सी में चला लिया, उसका पानी डाल दिया, एक एक कीड़ा मर गया, है कि नहीं? ये हर्बिसाइड हुआ कि नहीं? तो नीम के पानी से बनी हुई दवा डाल दिया, तो थ्रू हर्बिसाइड। सो दीज डिसीज कैन बी एलिमिनेटेड बाई हर्बिसाइड एंड फंगीसाइड। हर्बिसाइड फंगस भी हटा लो, और इसके अलावा पेस्ट एंड इंसेक्ट्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स। इसी चीज तो पेस्ट है ना, अभी हमने किसके बारे में बताया? वीड्स के बारे में बताया, अब किसके बारे में बता रहे हैं? डिसीज के बारे में, फिर किसके बारे में बताएंगे? इंसेक्ट्स और पेस्ट, ठीक। तो दूसरी चीज पे है, अभी इसको बता दिया है, और अब किसको बता रहे हैं? सो इट कैन बी एलिमिनेटेड by using herbicide। अब ये देखो ये चीज हो गई, and fungicide, फंगस भी निकल जाएगी। कभी कभी पत्तियां सफेद होने लगती है ना, और साइड का मतलब कील होता है। इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, these can be removed by using insecticide and pesticide, these not to be sprayed in large amount, otherwise nematodes, जो हमारे friend of farmers कहे जाते हैं earthworms, वे भी मारे जाएंगे। समझ में आई बात कि नहीं? So insects and pests can be removed by using insecticide and प्रकार pesticide। क्या आपके घर में भी कभी ये कॉकरोच इन सबको मारने के लिए पेस्ट कंट्रोल वाले भी आते हैं ना, बजा रहते हैं पेस्ट कंट्रोल है, कोई कोई लोग बुलाते हैं, बहुत अमीर लोग तो पेस्ट होटल्स में आते हैं ना। हाँ, अब देखो, कभी कभी एट सर्टेन टाइप, हाउ टू रिमूव दीज, इनको कैसे किया जा सकता है? इफ वी प्लो डीप फील्ड, बहुत गहरी खुदाई कर दें इन टफ समर, देन ऑल टाइप्स ऑफ पेस्ट्स इंसेक्ट्स आर किल्ड, फंगस इसकी, उसको रोटेट करो जमीन की, इसकी कैसे डीप मल्चिंग कर दो, जमीन को अलट पलट दो, तो उससे क्या होगा, जब उस पर धूप पड़ेगी, ऐसे तो क्या है ऊपर ऊपर टफ है, आराम से नीचे गड्ढा खोद के बैठे हैं, धूप है तो क्या, नीचे तो मजा ले रहे हैं, नमी है नीचे। लेकिन अगर उनको एक बार अलट पलट दोगे ना, मिट्टी को चला दोगे आप ट्रैक्टर, तो प्लोइंग अच्छी हो जाएगी, इतनी गहरी खुदाई कर दो सब मर जाएंगे। एक बार मिट्टी अल्टी, फिर उसके बाद पलटी, और फिर से एक बार अल्टी, तो ऐसे करने से सब मर जाएंगे। तो ये लास्ट लाइन है आपकी बुक की, देख लो, कह रहा है कि ड्यूरिंग समर इफ फील्ड इज डीप प्लोड, ड्यूरिंग समर इफ फील्ड फील्ड इज डीप प्लोड,
ठीक है, एंड देन और उसको अनअटेंडेड छोड़ दो, 2 महीने फसल मत उगाओ, जैसे सूखा छोड़ो, कुछ भी मत उगाओ, देन ये इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, जायद की फसल जाने दो, विल गेट एलिमिनेटेड, अपने आप ही मर जाए, फंगस विल आल्सो, सॉइल विल आल्सो बी फंगस फ्री, ये प्रिवेंटिव मेजर है, रोकथाम का उपाय, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, विल बी सॉइल विल बी फंगस फ्री ऑल्सो, ये सारी चीजें अच्छी हो जाएगी सर। इंटेक्स क्वेश्चन देखिए, पेज 208 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल बी द मोस्ट बेनिफिटेड बाय फार्मर्स आर हाईली क्वालिटी सीड्स यूज डू नॉट अडॉप्ट इरिगेशन और फर्टिलाइजर, ना वो सिंचाई कर रहे हैं और ना फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, जबकि दूसरा फार्मर है यूजिंग ऑर्डिनरी सीड लेकिन इरिगेशन भी कर रहा है फर्टिलाइजर भी दे रहा है, तीसरा हाई क्वालिटी सीड भी कर रहा है इरिगेशन भी कर रहा है फर्टिलाइजर भी कर रहा है और क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर भी कर रहा है, किसको अच्छा फायदा होगा? फर्स्ट सी, तो इसका मतलब है कि ऑल थ्री मेजर्स आर नेसेसरी, ठीक है, टू गेट गुड क्रॉप प्रोटेक्शन, एज पहला वाला क्या था, वैरायटी मैनेजमेंट, एज क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ऑल आर नीडेड टू इंप्रूव क्वालिटी एंड क्वांटिटी, आपको क्वालिटी चाहिए कि क्वांटिटी चाहिए? क्वालिटी दोनों ही चाहिए, क्वांटिटी ऑफ क्रॉप है ना, दोनों ही चाहिए हमको, तो देश को पेट भी तो भरना है, ऐसे बहुत ज़्यादा। ये तो किसी को एक चम्मच बासमती राइस खिलाया तो बोला अच्छा लगा, आप जाओ अच्छा लगा, थोड़ा खाना दो, बल्कि लोग अगर शादी में थोड़ा खाना दो, एक ही एक रोटी तो अच्छी थी ना रोटी, अब जाओ खत्म हो गई है तो, और बल्कि गाली ही देगा, क्या बरात थी खाने को ही नहीं मिला, सर डिजीज का अब देखिए एक और चीज इसमें आती है जिसको हम लोगों ने नहीं देखा, स्टोरेज ऑफ ग्रेन, अब अगर आपने सब कुछ कर लिया फसलों में भी, जब तक फील्ड में थी तब तक भी प्रोटेक्शन किया, अब जब उसको थ्रेशर से निकाल लिया दाने बना लिए तो भी क्या बोरों में भरोगे तो क्या उसका प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, उसमें दवा डाली जाती है मालूम है, अनाज में भी दवा घर में डाली जाती है कि नहीं, कई बार जैसे जो स्टोरेज करते हैं छोटी छोटी टिकिया आती है, या तो नहीं नीम के पत्ते डालो सूखे, कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, सो स्टोरेज लॉस इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैन बी वेरी हाई, सो इट इज ड्यू टू, सो लॉस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस,
में अक्कर क्यों हो सकता है बताओ? ड्यू टू चूहे, रोडेंट्स, ड्यू टू बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। अगर पंजाब के प्लेटफॉर्म पे रखी थी बहुत सारी बोरियां, हजारों बोरियां, बारिश हो गई सब सड़ गई, बायोटिक बायोटिक भी हो सकता है। अगर धूप में रख दो तो गेहूं का पानी सूख जाएगा, फिर उस आटे को खाओगे तो सूखी सूखी रोटियां बनेंगी, तो ये क्या बेकार है, लकड़ी टाइप है, बनाते ही सूख जाएंगे तो अच्छी नहीं रहेंगी। गेहूं सूखना भी नहीं चाहिए ना, 15% उसमें हाइग्रोस्कोपी रहनी चाहिए, तो नमी रहे, बिल्कुल सूखा गेहूं नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से बताओ बायोटिक फैक्टर कौन कौन से हैं कि इंसेक्ट्स बायोटिक फैक्टर्स हैं। बहुत सारे चींटियां लग जाती है, तुमको मालूम है गेहूं या इन सब में उसमें चने में घुन लग जाते हैं, ऐसे काले काले छोटे छोटे होते हैं, वो छेद छेद कर करके खा जाते हैं, ऐसे कुछ ऐसा अनाज देखा है घुन लग जाता है, ऐसा होता है। सो बायोटिक फैक्टर साहब कई कई चीजें हैं, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, रोडेंट्स चूहे होते हैं, रोडेंट्स फंगस लग जाएगी, फंगी, अगर थोड़ा मॉइस्चर हो गया तो गेहूं एक साथ फंगस या कोई भी चीज रखी है जो स्टोरेज से निकालते उसमें पता चलता है कि फंगस है। हम लोगों को जो यहाँ तक मिलिट्री वालों को बड़ा फायदा है, हम लोगों के लिए जो खाना है, अगर सारा देश भूखे मर रहा हो तो भी मिलिट्री 10 साल तक खाना खा सकती है, यानी हम आज जो खा रहे ना मिलिट्री वो 10 साल पहले रखा है, वो आज दिया जाएगा और फिर अगले साल हम वो खाएंगे जो 9 साल पहले रखा गया, समझे? तो हम लोग उससे कहते हैं कि हम बासी खाना खा रहे हैं, बासी नहीं, मिलिट्री के जो सैनिकों को, तो हम उससे कह रहे हैं कि भाई छान के तो दिया करो, कहता छान देंगे तो बच्चे कर इतने घुन इतने कीड़े 10 साल पहले का खा रहा, हम कहते हैं ये सब अच्छा नहीं लगता है, इसको छान दो, कहेगा अच्छा छान देंगे 75% चला जाएगा, हम छान बहुत घुन कीड़े 10 साल पहले का खाना खिला रहे हैं, तो वो रोटी भी वैसी वैसी है और छानता भी नहीं है, उसको बोलो मेस मेंबर से दो, नहीं छान, कुक छानता ही नहीं खाना, उसमें सब निकल जाएगा। अरे वो इतना वो देखने से ही लगता है ये कैसा खाना है, लेकिन वो फिर भी खाया जा रहा है, तुम छान नहीं सकते। माइट्स एंड बैक्टीरिया आपको नहीं मिलेगा, वो आपके पापा खा रहे हैं, पापा घर का खाना खाते हैं, बैक्टीरिया, सो ये सब रहते हैं बायोटिक फैक्टर्स है, वो उसको नुकसान पहुंचाएंगे। और ए बायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं? तुमने जहां पे रखा है ए बायोटिक फैक्टर्स क्या बताइए? दैट इज इनअप्रोप्रिएट मॉइस्चर एंड टेम्परेचर, इन अप्रो क्रिएट मॉइस्चर, मॉइस्चर की सही कंडीशन होनी चाहिए। तुम ऐसे कमरे में रख दो जहां सीलन आ रही हो, सब गीली गीली छत हो सब, तो तुम्हारा गेहूं ऐसे ही सड़ जाएगा, मॉइस्चर ज्यादा होगी तो सड़ नहीं जाएगा। जिस स्टोरेज में रखा है वो ड्राई होना चाहिए, नहीं प्लेस एंड टेम्परेचर, धूप में भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो सूख जाएगा, तो किसी काम तो रखे कहां, शीतलक में, वो जो स्टोरेज वो जहाँ नहीं होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े रेफ्रिजरेशन पॉइंट होते हैं जहाँ पर, ठीक है, इन उसका पैसा भी देना पड़ेगा कि मेरा अनाज रख लो फिर हम एक साल बाद आएंगे, एक साल जब फसल का दाम बढ़ेगा हम आपसे नहीं बढ़ा तो inappropriate moisture and temperature, इससे क्या होगा बताओ? Under adverse biotic and adverse biotic condition, अगर adverse biotic condition हुई,
या अनफेवरेबल, तो क्या होगा बताइए? ड्यू टू दीज फैक्टर कॉज डिग्रेडेशन इन क्वालिटी। अनाज जैसा उगाया था वैसा नहीं रह जाएगा, उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी नहीं। ड्यू टू दीज फैक्टर्स डिग्रेडेशन ऑफ इन क्वालिटी हो जाती है। और बताओ क्या हो जाएगा? अगर घुन खा गए तो क्या लॉस इन वेट हो जाएगा? भाई उसी को पेस्ट सब खा गए तो तुम्हारा लॉस हुआ ना वेट का, तो लॉस इन वेट हो जाएगा। और इसके अलावा क्या घुन लगे हुए चने को तुम उगाओगी तो जर्मिनेट हो जाएगा? नहीं, जर्मिनेट जैसा तुम सीड है, जो अनाज है वो सीड भी है। तो अगर तुम उस लिनसीड को या किसी को पीनट को उगाने जाओगे तो उग जाएगा अगर उसमें घुन लगे हुए हैं सारे, नहीं। तो वो पुअर जर्मिनेबिलिटी है। पुअर, हाँ पानी में डालो ऊपर हल्के में तैरेंगे, तैर जाएंगे वो सारे, पुअर जर्मिनेबिलिटी हो जाएगी। अब देखें, और डिसकलराइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, अच्छी दाल अच्छी दिखेगी, खराब दाल खराब दिखेगी, उसका कलर ही चेंज हो जाएगा। तुम्हें सड़े हुए आलू और अच्छे आलू में फर्क नहीं पता चलता जब खरीदते हो कि कौन सड़ा हुआ है, उसमें पता चल जाता है। सड़े सेब का कलर अलग है, वो काला होगा एक जगह से, तो कलर बदल नहीं जाएगा क्या? नहीं, तो डिसकलराइजेशन ऑफ प्रोड्यूस ये सारे हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? दिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमेटिक मैनेजमेंट, सो दीज लॉसेस कैन बी प्रिवेंटेड एंड अल्टीमेटली इट कॉजेज लॉस टू फार्मर्स। ये सब होने से क्या होगा, किसका नुकसान होगा? अल्टीमेटली इट कॉज लॉस टू फार्मर। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स कैन सेफ गार्ड अवर अनाज ड्यूरिंग स्टोरेज। प्रोड्यूस क्या है? प्रोड्यूस यानी जो तुमने उत्पादन किया, उत्पाद प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट है वही चीज है, उसी को प्रोड्यूस कहते हैं, योर प्रोड्यूस। समझ नहीं बात की नहीं, बुक का ही वर्ड है, तो इसका मतलब प्रोड्यूस है जो उत्पाद है। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल्ड मेजर, रोकथाम के लिए उपाय करती हो कि नहीं? जब चार लोगों को छींक सर्दी जुकाम हो रहा है तो तुम सोचते हो कि हमें ना हो, तो घर में जाकर कहते हो मम्मी काढ़ा बनाओ आज, बहुतों को छींक सर्दी जुकाम हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुम जिससे कि तुम्हें हो ही ना, तुम उस चीज से गुजरना नहीं चाहती, क्योंकि चार दिन का तुम्हारा क्लास खराब होगा, चार दिन तुम्हें ऑनलाइन आना पड़ेगा, उन सब से बचने के लिए तुम प्रिवेंटिव मेजर का यूज करती हो। इन्होंने बोला मम्मी बाल कटवा दो मेरे, जूं बहुत हो रही है। तो ये क्यों प्रिवेंटिव मेजर यूज कर रहे हैं? मतलब प्रिवेंटिव मेजर जरूरी है कि नहीं? प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स, अरे बाल झड़ रहे थे उसके, टू प्रोटेक्ट अवर ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज, प्रोटेक्ट द क्वालिटी। दो चीज हमें मेंटेन करनी है, बोलो, क्वालिटी और क्वांटिटी भी मेंटेन करनी है क्या? ऑफ ग्रेन्स कब मेंटेन करनी है? ड्यूरिंग स्टोरेज, ये करना है। बिफोर, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेप्स आर क्या है कि
क्लीन द ग्रेन्स बिफोर स्टोरेज, उसकी क्लीनिंग करो, सफाई करो, उसमें कुछ रह ना जाए. क्लीन द ग्रेन्स बिफोर स्टोरेज, ठीक है. कीप इन सनलाइट फॉर फ्यू डेज बिफोर स्टोरेज, यानी जब अनाज तुम निकालते हो तो उसमें नमी ज्यादा रहती है, थोड़े दिन धूप दिखा दो तो उसकी क्या होगी, नमी खत्म हो जाएगी, उसी की नमी से ही वो सड़ जाएगा. इसलिए उसको थोड़े दिन गेहूं को क्या करो, धूप दिखा. सो कीप प्रॉपर ड्राई द प्रोड्यूस बाय कीपिंग इट इन सनलाइट बिफोर स्टोरेज, उसके भंडारण से पहले आप उसको धूप स्नान करा लें. अब तीसरी बात क्या है, ठीक है, फ्यूमिगेशन इज यूज्ड, उसके फ्यूमिगेशन, फ्यूमिगेशन का मतलब है कि नीम की पत्ती होती है, जला के उसका धुआं दिखा उसको, उसके धुएं से सब कीड़े मर जाएंगे, है ना. फ्यूमिगेशन इज यूज्ड टू करने के लिए टू किल पेस्ट. तो ये सारा काम अगर हम करेंगे तो हम 209 के इंटरेस्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे. मुझे लग रहा है ये छुट्टी हो जाएगी अब. इंटरेस्ट क्वेश्चन पेज 209 पहला है, व्हाई शुड प्रिवेंटिव मेजर्स एंड बायोलॉजिकल मेथड्स बी प्रिफर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स, हमें रोकथाम के उपाय क्यों करने चाहिए अपनी फसल के बचाव के लिए. सो प्रिवेंटिव मेजर्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड शुड बी प्रिफर्ड फॉर प्रोटेक्शन बिकॉज पहला देखो, प्रिवेंटिव मेजर्स, हमें प्रिवेंटिव मेजर्स करना चाहिए. ऐसा करोगे तो तुम्हारी फसल को कीड़ा ही नहीं लगेगा. कि तुम ये चाहते हो पहले घुन लग जाए फिर उसे मारे, वो अच्छा है कि पहले से घुन ही ना लगने दो, क्योंकि पहले ही खा जाएंगे फिर सोचो अब चलो इन सबको मारते हैं, वो तो ठीक नहीं है ना. सो प्रिवेंटिव मेजर्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, जैसे नीम का छिड़काव, नीम के तेल का छिड़काव या नीम के धुआं दिखाने, ये सब बायोलॉजिकल है, केमिकल नहीं है. ये कैसे मेथड है, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड एंड बायोलॉजिकल, इसी को तो ग्रीन केमिस्ट्री कहते हैं, बायोलॉजिकल, या इसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं. ठीक है, ये क्या करते हैं बताइए, आर प्रिफर्ड फॉर, ये क्यों प्रिफर्ड किए जाते हैं, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ऑफ क्रॉप्स एज इट saves our costly crops, as it saves our costly crops. ये हमारे कर, ठीक है, from adverse condition and also do not kill nematodes. Nematode जानती हो सृष्टि? हाँ ना. क्या? हाँ. And also
डू नॉट किल नेमाटोड्स तो हमें ग्रीन केमिस्ट्री यूज करना चाहिए बायोलॉजिकल कंट्रोल में तो इसलिए हर्बिसाइड का वैसे जो हर्ब्स को मार दे उसे हर्बिसाइड कहते हैं जो वीड जैसे वीडिसाइड है ना हर्ब्स हर्ब से ही बना है लेकिन हर्ब्स को मार भी दे साइड का मतलब किलर है तो कहते हैं जब हर्बिसाइड जो तुम्हारे छोटे छोटे पौधे हैं ना नुकसान करने वाले लिटरल मीनिंग यही है कि हर्ब को मारे और वैसे कहते हैं हम हर्बल का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन यहाँ हर्बिसाइड का क्या मतलब है जो हर्ब को किल कर दे ठीक है हर्ब्स अच्छे हैं हम लोग हर्ब्स का मतलब प्लांट से लेते हैं ऑर्गेनिक है लेकिन जो हर्ब्स आपके क्रॉप में उगाए उनको किल करना चाहिए तो अब आप गूगल में जब सर्च करोगे तो हर्बिसाइड का मतलब है वीडिसाइड से ही है गूगल में देख लेना ठीक है अब देखो अगला क्वेश्चन सो ये चीज है इट ऑल्सो मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस ये पर्यावरणीय संतुलन को भी बनाए रखते हैं अगर हम इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप डीडीटी का यूज करोगे तो पानी क्या नदियों में नहीं चला जाएगा क्या वे इसे मछलियां नहीं खा लेंगी और मछलियों में अगर कैंसर होगा तो क्या उन्हीं को हम खा के हमारे अंदर नहीं हो जाएगा पानी भी हम पियेंगे तो इस तरीके से योर फील्ड वाटर अल्टीमेटली रन ऑफ टू नियर बाई वाटर रिसोर्सेज वो पास के जो जल स्रोतों में पहुंच जाता है जब बारिश होती है तो तुमने अगर बहुत केमिकल का छिड़काव कर रखा तो कहां जाएगा पानी बताओ जब बारिश होगी क्या आसपास की नदी नालों में नहीं चला जाएगा उन्हीं से पानी आएगा बाद में सफा हो के तो क्या उसमें वो केमिकल्स नहीं होंगे तो इसलिए हम नहीं चाहते कि हम ऐसे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का यूज करें मार्टिन टाइप कि जिस जो नुकसानदेह हो नहीं चाहते ना तो हम क्या करें नीम का धुआं क्यों ना दिखा दें तो क्या इट इज ऑल्सो गुड फॉर इको इट इज इकोलॉजिकली सेफ इकोलॉजी का मतलब क्या है जो हमारा पर्यावरण है ना इट इज ऑल्सो नेक्स्ट इज What factors may be responsible for losses of grains during storage? तो what factors हैं? तो आप सिर्फ इतना लिख लें कि ये सब चीज होती है कि नहीं Loss of may occur due to यही second question है और यहां से कहां तक हो जाएगा Poor germinability and decolorization occurs ये second question हो गया समझ में आ गई कि नहीं बिल्कुल यही आंसर आ जाएगा उसको बाहर से लिखने की जरूरत नहीं बायोटिक भी आ गया और ए बायोटिक भी आ गया अब देखिए दैट इज एनिमल हस्बेंड्री यानी जहां जानवरों के हस्बैंड रहते हैं ठीक है सो द प्लेस वेयर रियरिंग पशुओं का पालन होता हो उनकी रियरिंग की जाती हो पशुपालन किया जाता हो तो इट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक ठीक है एनिमल हस्बेंड्री इज ए साइंटिफिक ये इट इज द साइंस इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी क्या है एनिमल हस्बेंड्री इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइव स्टॉक
यानी वो तौल में कितने, उनका बायोमास कितना, जैसे प्लांट का बायोमास होता है इतना वजन है, ऐसे हम लोगों का यहाँ कितने लोग उनका बायोमास है, ऐसे एनिमल का बायोमास होगा, क्योंकि उनको वो फ्लश के तौर पर बेचना चाहता है तो फ्लश के तौर पर वो काउंट होंगे। ऐसे भी तो होते हैं, तो कुछ ऐसी पोल्ट्री होती हैं जो एग के लिए होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो फ्लश के लिए होती हैं। दो तरीके की पोल्ट्री होती हैं, तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? इट इंक्लूड्स फीडिंग, ब्रीडिंग, डिसीज कंट्रोल, ये सब चीजें आएंगी। इट इंक्लूड्स फीडिंग, ब्रीडिंग, एक गाय है तो तुम सपना देखो कि मेरे दो गाय हो जाएंगे, फिर उनसे उतना दूध आएगा, फिर तीन हो जाएंगे, फिर एक घर खरीदेंगे, एक साइकिल खरीदेंगे, ऐसे सपना नहीं देखते हो? सो ब्रीडिंग एंड डिसीज कंट्रोल, ठीक है। उसके वो उसमें मटकी में दूध ऊपर था छीके पे, वो सो रहा था, सपना देख रहा था, इसको बेचेंगे तो ये होगा, फिर उसके बाद मेरे बच्चे होंगे, फिर उसमें एक शैतानी करेगा, फिर मैं उसको लात मारूंगा, उसकी बढ़िया में लात मारूंगा, वो गिर गया सारा दही, उसका सारा सपना ही टूट गया, वो दही खत्म हो गया। फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिसीज कंट्रोल, उनका वैक्सीनेशन भी होता है, यहाँ पर भी वैक्सीनेशन होता है पुलिस लाइन के पास। कंट्रोल, ये सब चीज है जो कि किसमें कहते हैं, इट इज ऑल कम्स अंडर एनिमल रियरिंग, पशुपालन। इट इज ऑल कमिंग अंडर एनिमल रियरिंग, एनिमल रियरिंग, पशुपालन। अब देखें, नाउ व्हाट आर द पेट्स एनिमल विच आर टू बी रियर्ड, वी रियर, हम शीप को करते हैं, गोट को करते हैं, काउ बफेलो को करते हैं, हेन को करते हैं, सो वी रियर, वी रियर शीप, काउ, बफेलो, ठीक है, और इसके अलावा हेन, पिग, इन सबकी, हॉर्स की भी रियरिंग करते हैं, जिससे किसी ना किसी तरीके का फायदा होता है, उन सबकी हम रियरिंग करते हैं, ठीक है। पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग, एंड फिश की भी फार्मिंग करते हैं, फिशी कल्चर फार्मिंग। अब जरा देख रहे हैं कि इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, की बातों पे आप लोग ध्यान दें। You are always spending deep years to her, but she is collection of data, application of data, उसके पास बहुत सारे डाटा है, उसकी मम्मी में से भी डाटा है, सबसे पहले देखते हैं कैटल फार्मिंग, पहला नाम है कैटल फार्मिंग। सौम्य तनवर जानवर क्या
इट इंक्लूड्स, ये क्या क्या इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड्स, ठीक है, काउ बुल ऑक्स, काउ बुल ऑक्स विच आर यूज्ड फॉर फार्म पर्पसेस, खेतों में काम के लिए भी तो चाहिए ना ऑक्स बुल, तो उनके लिए यूज होता है फॉर फार्म पर्पसेस। और शीप किसके लिए? फॉर फाइबर, शीप फॉर वुलन फाइबर। शीप से भी हो सकता है, ठीक है, और याक, याक को जानते हो ना, सूरा गाय, फॉर फाइबर। जब आप ये जानते हो याक जो लद्दाख में पाए जाते हैं बहुत सारे, और इसके अलावा गोट, काउ गोट फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स, फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए यूज किए जा सकते हैं। और इसके अलावा कभी कभी जो शीप है और गोट है वो किसके लिए? शीप या गोट, और कहीं कहीं पे तो ऑक्स के लिए भी। ये सब किसके लिए? फॉर मीट प्रोडक्शन, मीट का भी व्यापार बहुत है, मीट प्रोडक्शन। और कई ऐसे हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हैं, हॉर्स, ऑक्स, किसके लिए? कैमल, हॉर्स, कैमल। कैमल से तो लेदर इंडस्ट्री के लिए भी बहुत सारी यूज किए जाते हैं, जितने बच गए सब लेदर इंडस्ट्री में है। तो बस एक कैमल हो गया, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, इन सब के जूते बनाए जाते हैं। और ट्रांसपोर्ट, कितने जयपुर में चले जाओ तो कैमल के जैकेट नहीं है पहने, नहीं जूते, उसी के चमड़े से जो बन जाए, यहाँ पे उसी के चमड़े की जूती चलती है राजस्थान में जितनी भी, तो जो लेदर है वो रबड़ का है और ऊपर कैमल। और इसके अलावा बताइए कि हॉर्स, कैमल, ऑक्स फॉर ट्रांसपोर्ट हो गए, तो इस तरीके से हम अलग अलग पर्पस से इनको यूज कर सकते हैं। अब जरा देखो कि नाउ सम आर नोन एज मिल्च एनिमल्स एंड अदर आर नोन एज ड्रॉट एनिमल्स। एनिमल की दो कैटेगरी है, बुक में देखो, ये देखो मिल्च एनिमल, दैट इज डेयरी एनिमल्स, और दूसरे क्या कहते हैं बताइए? ड्रॉट एनिमल्स, ड्रॉट की नहीं कहते हैं, which are reared for flesh, या which used for farm labor, किसके लिए बताइए? Used for farm labor, खेती के, खेती बाड़ी के काम में आए, तो उन्हें ड्रॉट एनिमल। और मक्खन, पनीर, दूध, घी, सर की खुशी, पानी आ गया, ये सारी चीजें। अब देखो मिल्क प्रोडक्शन, हम चाहते हैं
कि एक बार उसका बछड़ा पैदा हो तो 2 साल दूध दे दबा, क्योंकि वो उसका लैक्टेशन पीरियड है। लैक्टेशन पीरियड का मतलब क्या है कि बछड़ा पैदा होने के बाद थोड़े दिन तो बछड़े को हम दूध पिलाएंगे, फिर घास वास पे डाल देंगे उसको, ज्यादा नहीं पिलाएंगे हम, फिर बाकी दूध हम लोग लेंगे। तो इस तरीके से उसका लैक्टेशन पीरियड हुआ कि नहीं। सो वी प्रिफर मिल्क एनिमल्स हुज लैक्टेशन पीरियड इज मोर, हुज लैक्टेशन पीरियड क्वालिटी ऑफ फैट प्रोटीन इज गुड। ऐसा दूध होना चाहिए, पतला नहीं चाहिए। लोग कहते हैं गाय का मत दो, ज्यादा फैट प्रोटीन हो, मक्खन खूब निकले। तो भैंस का दूध लेते हैं कि नहीं, बफैलो का नहीं लेते हैं, बफैलो का इसका दूध गाढ़ा होता है। और जो गधी का दूध है वो तो 1 लाख रुपए लीटर, और ऊंटनी का दूध रख दो आधे घंटे तो चींटी लग जाए, इतना मीठा होता है। सो अब जरा देखिए, वी प्रिफर मिल्क एनिमल उस, बात ना करो उस लैक्टेशन, लैक्टिक एसिड किसे कहते हो? लेमन से। बिल्कुल सही है, कह रही है दही को कहते हैं लैक्टिक एसिड, और उसी से लैक्टेशन हुआ। लैक्टोजन का डिब्बा भी तो बाजार में आता है, दूध की प्योरिटी नापने के लिए। लैक्टोमीटर है, दूध में डालो, अगर मान लो तैर जाए अगर ये मान लो ये कितना तैरेगा उससे पता चल जाएगा इसके ऊपर मीटर कितने, कितना दूध में पानी कितना तैरेगा, मतलब जब डाला ऊपर 1 मीटर नहीं लगा तो मीटर से पता चल जाएगा कि कितना पानी। अगर येलो निशान है तब सही हम ले लेंगे, अगर और डूब गया वो तो नहीं लेंगे, पानी भरा तो ये दूध की प्योरिटी नापता है। येलो येलो तक एक्सेप्ट किया जाता है, ज्यादा डूब जाए तो नहीं एक्सेप्ट किया जाता। और येलो से भी ऊपर प्रैक्टिकल करो, फर्स्ट चक्कर में वो आपके बीच का जो स्थल है वहां उसमें करा देते हैं, वो तो हट गया पहले कराते। बोलिए वी प्रेफर मिल्क एनिमल, मिल्क एनिमल स्पेलिंग MILCH, देखो बुक में देखो दिखाई पड़ा कि नहीं? हाँ ना, हाँ मिला। कैटल फार्मिंग है, और कैटल फार्मिंग में मतलब सिक्स्थ लैंग्वेज छोटे से पता ही बहुत बोला। ये देख लो फार्म लेबर में क्या क्या चीजें आती हैं, टिलिंग और क्या आता है बताइए, इरिगेशन एंड कार्टिंग। टिलिंग का मतलब क्या होता है बता दो, टिलिंग जुताई समझते हो? टिलिंग इरिगेशन, ये ठीक बता रही सौम्य, जूता मार टिलिंग का मतलब है खेत जोतना, प्लोइंग। टिलिंग का क्या मतलब है? प्लोइंग। ये सब फार्म लेवल नहीं हो गया तो ये सब इसमें आ गया। तो वी प्रिफर मिल्क एनिमल जिनका लैक्टेशन पीरियड क्या हो, इज मोर। लैक्टेशन पीरियड क्या मतलब है, जब बछड़ा हो तो उसके बाद वो ज्यादा समय तक दूध देना चाहिए।
नहीं देगी तो फिर से बछड़ा पैदा करना पड़ेगा, उसकी ब्रीडिंग करानी पड़ेगी, तो हमें बार बार बछड़ा पैदा करना पड़ेगा। दो साल तीन साल दे आराम से दूध। इरिगेशन एंड में आपने ये क्या लिखा है? इरिगेशन एंड में आपने क्या लिखा है? अच्छा, नीचे 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 इरिगेशन है, ब्रॉड एनिमल कार्टिंग कार्टिंग कार्ट जैसे नहीं था बुलक कार्ट, यहाँ से वहां जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन अपना, उस पे बैठ जाओ बफेलो पे धक 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 वैसे कुत्ते पे बहुत कम ही लोग सवारी करते हैं। कुछ सम काउज आर, कुछ ऐसी गाय होती हैं जो देसी गाय डोमेस्टिक होती हैं, और कुछ कैसी होती हैं स्विस काउज होती हैं, बाहर भी होती हैं, तो विदेशी गाय हैं। तो अब हमारे यहाँ इंडियन कैटल बिलोंग्स टू टू डिफरेंट स्पीसीज। सो इंडियन कैटल कौन कौन सी हैं? इंडियन काउज आर, एक लो बॉस इंडिकस काउज और बॉस ड्यूबालिस और बॉस ड्यूबालिस बफेलो। ये साइंटिफिक नेम है, जीनस और स्पीशीज, यानी ये जीनस होगा। अगर बाहर भी की भी कोई गाय होगी तो बॉस जरूर होगा, बी हाँ बी कैपिटल करो। सो बॉस और हैंड रिटर्न है तो अकाउंट इस तरीके का जो नॉमिक क्लेचर है ना, तो कार्ल लिनॉस उसके जनक माने जाते हैं। वो हम लोगों का वो नहीं हो गया तो एनिमल वाला चैप्टर हट गया, उसमें लास्ट पेज पे था कार्लस लिनॉस, सब हटा दिया सब। मतलब जो भी नेमिंग है उसके जनक वही माने जाते हैं। अब जरा देखो मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स तो मिल्क एनिमल्स हो जाते हैं। अब हम चाहते हैं वी नीड एनिमल्स हुज लैक्टेशन पीरियड इज मोर एंड इट गिव्स मोर मिल्क। दो चीज चाहते हैं कि नहीं? क्वालिटी ऑफ मिल्क इज बेटर एंड इट, तीन चीज चाहते हैं। क्या चीज? पीरियड इज मोर, क्वालिटी ऑफ मिल्क इज बेटर एंड क्वांटिटी इज मोर। इतना सब कुछ चाहते हैं। अगर हम एक गाय पालते हैं तो ये तीन चीज देखते हैं। कई कई ऐसे होती है तीन बाल्टी दूध देती हैं, दैट इज स्विस काउ। हाँ, विदेशी काउ, ठीक है, विदेशी गाय। अब जरा देखें विदेशी काउ गाय। मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड। अगर लैक्टेशन पीरियड ज्यादा होगा तो फिर ज्यादा दूध मिलेगा ज्यादा दिन तक। और साथ में एक स्विस का है, जरा देखो पढ़ो, एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड से तो इंडियन है, और एक्सोटिक ब्रीड देखो विदेशी, एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड। ब्रीड तो जैसे पूछते नहीं कुत्ते की कौन से कुत्ते की है, तो ये अलग अलग कुत्ता बताते हैं। जर्मन शेफर्ड है, डोरे मॉन है, तो इस तरीके से जर्सी जर्सी काउ ब्राउन से जर्सी काउ ब्राउन स्विस, इनका साइंटिफिक नेम नहीं दिया स्विस, तो ये ऐसा है। वाइल्ड लोकल ब्रीड्स क्या हो सकते हैं? लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड की तो हैव लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड, इनका क्या होता है? हैव लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड। और इंडियन में क्या होता है? इंडियन ब्रीड में रेड सिंधी
और साहिवाल सो एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू डिसीज। ऐसी गायें भारत में जो लैक्टेशन पीरियड भले ही कम हो लेकिन बीमार कम होती है, सो उसको कहते हैं इंडिजीनस। इंडिजीनस का मतलब देसी, क्या होता है देसी। इंडिजीनस ब्रीड कौन कौन सी, रेड सिंधी और दूसरा कौन सा है एंड साहिवाल। साहिवाल ये क्या करती है, हैव ग्रेटर रेजिस्टेंस, ग्रेटर रेजिस्टेंस टू डिसीज। सर क्या लिखा हुआ है लॉन्ग के बाद में, क्या लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड, अधिक दुधारू गाय अधिक समय तक जो दूध दे उसको क्या कहते हैं दुधारू। ठीक है, और इफ दीज टू आर क्रॉस ब्रेड्स, यदि इन दोनों की मेटिंग करा दी जाए तो हमें अधिक लैक्टेशन पीरियड भी मिलेगा और रेजिस्टेंस भी मिलेगा। नहीं तो क्या जर्मन शेफर्ड है उसको रखा दे, इसको एसी में रखो फ्रिज में रखो कहीं बीमार देसी कुत्ता जमीन में पड़ा रहा है ठंडी में अक्टूबर नवंबर दिसंबर कुछ नहीं होता, गुड रेजिस्टेंट है कि नहीं, कूड़े का खाले ये खाले कुछ नहीं होता। अब वो पता चल रहा है कि कोई ब्रीड है जर्मन शेफर्ड, इसने एक बाहर कपड़े खा लिया था उल्टी कर रहा थी, वहाँ हम लोग जाते हैं कुत्ते उस तो शैवाल मैंने क्या बोला शेजवान मेलवान है गाय का नाम है आपको अबे सही बात है शेजवान सही बात। सो दीज टू कैन बी इंटरप्रेट, इनके आपस में ब्रीडिंग कर दी जाएगी तो क्या होगा बताइए। सो इफ दीज आर क्रॉस ब्रेड, मान लो एक ये है पतला मैंगो, अब पतले मैंगो में ये बहुत मोटी होती है और ये वेरी स्वीट है, ये कैसा है और ये अब जरा देखो ये बहुत बड़ा मैंगो है लंगड़ा आम पतली पतली सीड है लेकिन ये लेस तो अब सुनो ये चीज फ्लावर है दोनों के, तो एक इसका फ्लावर है आम के फ्लावर से ही तो वही तो फल बनेगा, तुम कैसे गांव कभी गए नहीं, तुमने हमेशा पेड़ से तोड़ के बर्गर खाए गांव कभी नहीं गई ये देखो बर्गर का पेड़ देखकर ये देखो ये इस वाले का है और ये इस वाले का है और ये देखो ये स्टेमन है, तो इस वाले का पार्टिकल इसमें गिर जाए तो तुम्हें कैसा मिलेगा, ये वाला इसका है और ये इसका है, तो इस वाले का अगर इसमें चल जाए इसको कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग, तो इससे जो फल मिलेगा वो तुमको बड़ा भी मिलेगा मोटा सीड भी मिलेगा स्वीट भी मिलेगा। व्हाट इफ दोनों की स्वीट और बड़ा वो चाहिए क्या है बीज ऐसा होगा तो बीज बड़ा हो गया और लेस स्वीट हो गया तो ये यही तो ट्रायल चलता रहता है जब तुम क्या करते हो कि बायोटेक लेते हो ना बायोटेक गलत में जाओगे तो यही करते रहोगे उसी का तुमको 60,000 महीना मिलता है कि ये करो वो करो, अरे ये मिल गया मीठा बड़ा पत्ता स्वीट सीडी नहीं है यही बेचो और बाकी 10 फेल हो गए लेकिन एक ऐसा मिलेगा वो सक्सेस। ऐसा थोड़ी है कि तुम जो चाहोगे वही मिल जाएगा लेकिन कभी ना कभी तो ऐसा रिजल्ट आएगा वो बिक जाएगा बाजार में, बोलेंगे ये हाइब्रिड सीड आई है, ऐसे पपीते बाजार में बिकते हैं जिसमें दाने ही नहीं होते, ऐसे आम मिलते हैं कि गप गप खा जाओ। इस तरीके से क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ बोथ टाइप्स,
ठीक है क्रॉस ब्रीडिंग देखो इस चीज को ऑफ बोथ टाइप्स कैन प्रोड्यूस डिजायर्ड फीचर्स ऑफ लाइक मोर लैक्टेशन पीरियड एंड मोर डिसीज रेजिस्टेंस अगर इनकी क्रॉस ब्रीडिंग कर रहे हैं तो मोर लैक्टेशन सर कल होगा कि संडे है हाँ दिवाली की तभी तुम लोग कह रहे थे तो कितने उसके बाद की थी कि नहीं दिवाली की कब की थी उसका अभी दिवाली की जो छुट्टी उसका मजा भूल गए सर क्या मजा मजा सरकार सरकार छुट्टी की मांग अब समझिए हम नेक्स्ट साल एक बाहर बड़ा बैनर लगवाएंगे आउट ऑफ 365 डेज 300 डेज लीव फॉर इम्प्रूविंग कैटल ब्रीड्स एंड वाई विच मेथड्स इज यूज तो मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाई टेक्निक ऑफ सेलेक्टिव ब्रीडिंग बिल्कुल यही सब लिखना है देखो हम क्या करना चाहते हैं क्वेश्चन पढ़ो विच मेथड शुड बी यूज किसके लिए फॉर इम्प्रूविंग कैटल ब्रीड तो तुम्हें कैटल ब्रीड में क्या चीज चाहिए क्या तुम्हें वो फ्लश के लिए कर रहे हो मीट प्रोडक्शन करना चाहते हो या फिर मिल्क दो ही चीज तो हो सकती है एग पोल्ट्री वो अलग आता है कैटल ब्रीडिंग में नहीं आता है अभी पिसी कल्चर आएगा पोल्ट्री आएगा हॉर्ट्री कल्चर आएगा फिर बहुत कुछ है अभी तुम बी कल्चर पढ़ोगे तो वो सारे कल्चर एक एक आएंगे ना अभी तो कैटल का पढ़ रहे हो तो मिल्क प्रोडक्शन अगर तुम्हें दूध चाहिए तो उसके लिए क्या टेक्निक है मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड कैसे बढ़ाया जा सकता है बाई टेक्निक ऑफ सेलेक्टिव ब्रीडिंग बाई क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन लोकल ब्रीड एंड एक्सोटिक ब्रीड बाई क्रॉस ब्रीडिंग लोकल ब्रीड में कौन कौन सी हैं? देखो ये अभी क्वेश्चन करवाएंगे आपसे लोकल ब्रीड में कौन कौन सी बताओ ये रेड सिंधी और साहिवाल एक सिंधी को पकड़ो एक साहिवाल को पकड़ो एंड एक्सोटिक ब्रीड एक्सोटिक ब्रीड में ऑस्ट्रेलिया की ऐसी गाय है कि उनके थन इतने बड़े बड़े हैं कि जमीन में छू जाए क्या 50 लीटर दूध देती 70 लीटर कैन के कैन कर लो इतना कमा लो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तो वही डेयरी प्रोडक्ट के मामले में ऑस्ट्रेलिया है नंबर वन सो एक्सोटिक ब्रीड कौन सी हो सकती है लाइक कौन कौन सी बताई जर्सी काउ जर्सी जो पहने ऐसी कोई गाय है नहीं जर्सी काउ एंड ब्राउन स्विस रोल खाती हो सात नंबर जर्सी तो ब्राउन स्विस इन सबके कला करके हम क्या कर सकते हैं
मत माना, दूध पैदा कर सकते हैं और पानी मिला दिया तो और बढ़ जाएगा। सो ये चीज कर सकते हैं। अब आगे देखो, लोकल काउ इज बेटर फॉर, लोकल काउ इज सेलेक्टेड फॉर दिस, लोकल काउ इज डिसीज रेजिस्टेंस, वही सब लिखना है। खून कितनी अच्छी है। एंड एक्सोटिक काउ किसके लिए होता है? एंड एक्सोटिक काउ गिव्स मोर मिल्क, इज सेलेक्टेड फॉर मोर लैक्टेशन पीरियड, मोर लैक्टेशन पीरियड एंड हाई यील्ड ऑफ मिल्क। यील्ड का मतलब समझते हो? हाई यील्ड नहीं समझते क्या? हाई प्रोडक्शन, प्राप्ति। अगर ना समझते हो तो प्रोडक्शन लिख लेना। यील्ड ऑफ मिल्क, ज्यादा दूध जो देती हो ऐसी गाय, ठीक है। सर साहीवाल और रेड सिंधी दोनों ही तो इंडियन काउ, इंडियन काउ है। तो फिर ब्रीडिंग कैन बी डन, ब्रीडिंग तुम कैसे कर सकते हो कि या तो अपनी गाय को ले जाओ उनके बैल के पास, वो नेचुरल इंसेमिनेशन मेथड है, और या फिर बाजार में नीचे मेडिकल स्टोर है उससे इंजेक्शन खरीदो, बोलो रेड सिंधी के स्पर्म दे दो और अपनी गाय को ले जाके लगा दो, तो वो भी है, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। दोनों बुक में भी है, दोनों मेथड से किया जा सकता है। अपनी गाय को ले जाओगे तो वो 250 रुपए लेगा, इंजेक्शन 20 रुपए का आता है, ये तो ठीक है। सो यील्ड ऑफ मिल्क, तो क्या चीज की जा सकती है? इट कैन बी डन, इट कैन बी डन बाय नेचुरल इंसेमिनेशन, यानी स्पर्म को नेचुरल तरीके से डलवाना, नेचुरल इनसेमिनेशन, नेचुरल इनसेमिनेशन। मुर्गियों के बीच में एक मुर्गा छोड़ दो, तुम्हारी मुर्गियों की संख्या बढ़ती चली जाए, और नहीं तो फिर सब एक एक मुर्गी को पकड़ के इंजेक्शन लगाओ। और बाय आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन, इंजेक्शन लगाओ तो भी इंसेमिनेशन हो सकता है। तो किसी भी तरीके से गांव वाले अपना करते हैं, दोनों मेथड वो जानते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ द मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज। अब जरा देखें कि सो ये इस साइड में फर्स्ट लाइन में सेकंड लास्ट वर्ड क्या है? फर्स्ट लाइन में रेजिस्टेंट, प्रतिरोधक क्षमता। ओके नाउ पेज नंबर 209 का फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन करिए। 209 फर्स्ट को सर एक लिख लेना, लिख लो क्या 10 मत पेपर अभी दे देंगे अभी 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 दे देंगे, पेपर कब ना होगा तुम्हारा पेपर बांट देंगे, कुछ समझ में नहीं आया मेरे को, सेकंड का हर एक चीज सिखाई है। एक मछली लानी पड़ेगी, बहुत महंगी होते हैं।
देखो मेरा भी पर्चा रख रही है, मैं भी टेस्ट नहीं। सर नेचुरल इनसेमिनेशन, दैट इज स्पर्म को अंदर डालने को क्या कहते हैं? इनसेमिनेशन। क्या? अब चलो अब आज के लिए इतना ही रहेगा आप लोगों के लिए, बाकी अब टेस्ट लेंगे इन लोगों का। ऐश करो, क्रिसमस मनाओ। सर क्या तुम लोगों को, तुम लोगों को मैरी क्रिसमस ईव है, कैरोल जाके गाओ करोल बाग में। ये देखो मैरी क्रिसमस आ गया, यहाँ देख लो। बस इसी चीज की छुट्टी दे दो सर। कल सबका टेस्ट हो रहा है आपका भी। तो कल कौन सा पढ़ाने? कल तो टेस्ट पढ़ा नहीं रहे कुछ। सर आप अच्छे टीचर हो ना सर। सर आप अच्छे टीचर। अरे नहीं हो, चुप रहे, पेपर दो जाओ क्रिसमस में। सर आप बस मैसेज मत भेजना, मैं तो मम्मी को मना लूंगी भाई। नहीं है देख लो।